हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोविक में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी के जेई एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, किस तरह से आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। उसके अलावा दोस्तों, एक अपडेट भी आया है, उस क्या अपडेट है उसको भी मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगा। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देख के, उसके साथ साथ अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे जो यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी 2019 एडमिट कार्ड हैज़ रिलीज्ड आरआरबी एडमिट कार्ड एट rrbcdg.gov.in। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरबी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जाने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है हम लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या डिटेल्स है उसको भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, जो आरआरबी के जी के एडमिट कार्ड निकला हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे आरआरबी बोर्ड व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड आरआरबी विल बी रिलीज आरआरबी एडमिट कार्ड 2019 द पोस्ट ऑफ जूनियर एंड इंजीनियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल मेटागुररी असिस्टेंट एंड इट्स ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग आरआरबी के डिपार्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड मेटालुर्गिकल असिस्टेंट के जो पोस्ट है, तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस एग्ज़ाम को देने वाला है तो अभी के जाके आपका जो एडमिट है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या का आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे एक बताया कि आरआरबी के तरफ से एसएमएस और रजिस्टर ईमेल आईडी के थ्रू आप लोगों को बता दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों पहले यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको एक होम पेज आएगा जहाँ पे आरआरबी के एडमिट कार्ड लिखा होगा, उसके आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जूनियर इंजीनियर डीएमए सीएमए या इस तरह की जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम है आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको उसमें क्लिक करना होगा एंड देन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो आरआरबी के जो एडमिट कार्ड है और हॉल टिकट है आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर 2019 एडमिट कार्ड इनक्लोज विद फोटोग्राफ एंड आईडी प्रूफ एट देयर एग्जाम सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड विद आईडी प्रूफ एंड एक फ़ोटोग्राफ लेके आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा, जिसके बाद ही आप लोग वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ कि आपको करेगा। अगर आप नहीं ले जाओगे इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है तो उसके बाद आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यही है एक जो कि आरआरबी जी के जो एडमिट कार्ड है रिलीज़ कर दिया, ये एक अपडेट आया है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।